हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और एकदम नए तरीके से ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट खाने में बहुत स्वाद होता है और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। चलिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी सभी मजेदार रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। हमने लिया है मैदा, जितना आपको ब्रेकफास्ट बनाना हो उस हिसाब से आप मैदा ले लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा नमक ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गरम पानी लेंगे, गरम पानी से हम गूनेंगे, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, उसी तरह हम गूनेंगे। देखिए आटा हमने गून लिया है, हमें इसी तरह रखना है। हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि आटा है ना अच्छे से फूल जाए। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। एक हम बाउल लेंगे, इसमें बारीक कटा हुआ एक शिमला मिर्च, एक कद्दूकस किया हुआ गाजर, हरी मिर्च, 2 बारीक कटा हुआ, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 4 ही सब्जियां ऐड कर देंगे एक बाउल में। अब नमक ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, आप तीखे के हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। अजवाइन डालेंगे 1/2 चम्मच, 1 चम्मच के करीब राई का तेल डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमेटो सॉस डालेंगे 2 चम्मच, मिक्स कर लेंगे। देखिए स्टफिंग बन के तैयार हो गया है। अब हम जैसे रोटी का आटा तोड़ते ना उस तरह हम लेंगे, इसका लोइया जैसा बनाएंगे। थोड़ा सूखा आटा लेंगे, पहले हम सूखा आटा लगाएंगे, रोटी की तरह बनाएंगे। बहुत ज्यादा हमें पतला बेलना है। देखिए जितना हो सके उतना आप पतला रोटी बनाइएगा। ये देखिए काफी ये पतला है, जितना हो सके आप पतला बना लीजिएगा। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। हम थोड़ा सा मसाला रख के अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। अब हम जैसे पराठा बनाते हैं ना उस तरह इसे फोल्ड करेंगे, इस साइड से रख के ऐसे रख के इस पे भी हम थोड़ा मसाला लगाएंगे, इसे भी ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम सूखा आटा रखेंगे, पहले अच्छे से हम हल्के हाथ से बनाते जाएंगे। थोड़ा सा हम इसे पराठा बनता है ना उसी तरह हम बनाते जाएंगे, थोड़ा पतला करेंगे, दोनों तरफ घुमा के हल्के हाथ से हमें बनाना है। ज्यादा आप प्रेस करेंगे ना फिर ये सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। बस हमें इतना ही बेलेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं बेलेंगे। अब हम गैस पे तवा रखेंगे, तवा को गर्म होने देते हैं। अब इसे ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसमें जो रोटी हमने बनाया था ना वो रखेंगे, एक साइड पकने देते हैं, ऊपर से हम ऑयल लगा लेंगे, साइड में भी हम ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। तो अब हम चिमटे की मदद से दूसरी साइड पलटेंगे, ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे अच्छे से, दूसरे साइड भी अच्छे से हम पका लेंगे। इसमें बिल्कुल कच्चा नहीं रहने देंगे, इस तरीके से भी करके अच्छे से पका लेंगे। देखिए पराठा बनके तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे पराठा बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बन गया ना ब्रेकफास्ट। खाने में बहुत ज्यादा स्वाद है, बहुत ही ज्यादा। आप इस तरीके से झटपट ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आप चाहे तो टोमेटो सॉस के साथ खाइए या हरी चटनी के साथ खाइए।